चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कैसा चल रहा है सब लोगों का एस्ट्रोलॉजी में? कुछ नोट्स वगैरह सब लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? और हमारा कन्या लग्न तक हो गया था अभी, और आज मैं शुरू करता हूँ कन्या लग्न के आगे। चलिए, आज थोड़ा मैंने टाइम सेव करने के लिए आज बना लिया था ये। तो आज हम बताएंगे आपको तुला राशि के बारे में। तो जैसे कि वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? वॉइस एंड वीडियो सब ओके है ना? ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताते हैं तुला राशि के बारे में। अभी तक हमने एक से लेकर छः कन्या लग्न तक के बारे में बता दिया था। तो आज तुला राशि के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम ही है तुला, तो तुला से आप लोग को मतलब समझ आ रहा है। इसका जो डायग्राम बना हुआ है इसमें तराजू बने हुए हैं। तो तराजू बनने की वजह से ये जो राशि होती है ये न्यायप्रिय राशि होती है। मतलब इन लोगों को जो होते हैं ये लोग काफ़ी जस्टिस प्रिय होते हैं। इनको किसी भी चीज़ में ऐसा समझ नहीं आता कि झूठ मूठ नहीं, कुछ कुछ करना है, जो करना है वो सही चीज़ होनी चाहिए। और दूसरा, ये लोग काफ़ी सबके साथ अपना एसोसिएशन बना लेते हैं। मतलब किसी के भी साथ आराम से मेल जोल बना लेते हैं। काफ़ी समझदार होते हैं ये लोग। और कहीं भी जो है आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब एडजस्टेबल लोग होते हैं ये। तो ऐसे लोग जो हैं लोगों के मित्र काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। और इसका जो नंबर आता है वो आता है 7। तो 7 के हिसाब से ये सम हुई कि विषम हुई? राशि के हिसाब से क्या हुई है, मेल की फीमेल? हाँ, तो मेल हुई, ठीक है। और दूसरी, ये मूवेबल है, मतलब ऐसी राशि वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। वो किसी भी एक जगह पर ज़्यादा देर तक टिक के नहीं रहते। स्थिर राशि नहीं है। जो राशि स्थिर राशि होती है ऐसे लोग क्या होते हैं कि किसी जगह पर अगर बैठ गए, सपोज सोफ़े पे बैठ गए अगर, तो वो सोफ़े पे ही बैठे रहेंगे। बट ऐसे लोग अगर एक जगह पर बैठते हैं तो लगातार नहीं बैठते, वो यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। और अगर किसी भी चीज़ में कोई भी काम करना चालू करते हैं तो उसमें भी स्थिर नहीं रहते। अगर उसमें उनको थोड़ी देर में मज़ा नहीं आया तो उसको चेंज कर देते हैं। और स्थिर राशि वाले क्या होते हैं, जो काम पकड़ लेते हैं उस काम को पकड़ के करते रहते हैं। तो कुछ चीज़ों में तो मूवेबल राशि अच्छी होती है, कुछ चीज़ों में जो है वो स्थिर राशि अच्छी होती है। अब जैसे आपको मकान खरीदना है, तो मकान खरीदते समय अगर आपकी चौथे भाव में स्थिर राशि होगी तो आपका मकान जो है वो अच्छा रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाला होगा। परंतु जो मूवेबल राशि में आप लोगों को क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, जैसे आपकी कार खरीदनी चाहिए, जो मूव करने वाली चीज़ें होती हैं। और इसी तरीके से हर एक भाव में उसका अलग अलग आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, मूवेबल राशि और जो स्थिर राशि होती है। तो ये तो हो गए इन इस राशि वाले जो जातक होते हैं उनके लग्न की विशेषताएं, उनके बारे में विशेषताएं। और अब चूंकि आप लोगों को दिख रहा है कि इसका जो लॉर्ड है वो वीनस है, तो वीनस क्या है, दैत्य राशि है। तो जैसा आपको पता है कि दैत्य राशि के जो फ्रेंड होंगे उनको यहाँ पर अच्छे घर दिए जाएंगे, और जो देव राशि वाले होंगे उनको ख़राब घर दिए जाएंगे। और जो देव राशि वाले होंगे वो यहाँ पर बेनिफिक होंगे। किसी का माइक खुला है उसको बंद कर दीजिए। और जो दैत्य राशि वाले होंगे वो यहाँ पर मैलिफिक रिजल्ट देंगे। ये एक कॉमन आप लोगों को अब समझ आ ही गया होगा। आप लोग किसी की भी कुंडली जब देखते होगे तो इस चीज़ को सबसे पहले लगा के आप देख लेते होगे कि अच्छा, ये दैत्य राशि वाला है या देव राशि वाला है। तो देव राशि वाला है तो इसका मून सन
और मार्स ये अच्छे रिजल्ट देंगे। और अगर दैत्य राशि वाला है तो इसका शुक्र, शनि और बुध ये जो है उसको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो इतनी चीज़ तो अब आपको पता चल गई होगी। तो चलिए इसका चार्ट बना लेते हैं। तो तुला राशि में यहाँ पर 7 नंबर आया, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की। तो यहाँ पर जो पहला भाव है, पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर यानी कि लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड क्या हुआ? वीनस हुआ। तो वीनस चूंकि लग्नेश है यहाँ पर, तो वो लग्नेश जो है वो शुभ होगा और हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। और जब भी लग्नेश की दशा अंतरदशा आएगी तो आप को अच्छे परिणाम देगी। अब लग्नेश की जो दूसरी राशि है वो कहाँ पर लिखी हुई है? इसकी दूसरी राशि होती है वृष। तो वृष कहाँ पर लिखी हुई है? अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव खराब होता है, ठीक है। अब एक सेकंड, तो अष्टम भाव के बारे में राम नरेश जी आज तुला राशि के बारे में बता रहे थे हम। तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, पहले भाव के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो पहले भाव में शुक्र है वो कैसे रिजल्ट देगा। तो पहले भाव में चूंकि 7 नंबर लिखा है, तो 7 नंबर का मतलब हुआ लिब्रा। लिब्रा के जो लॉर्ड हुए वो वीनस हुए। तो चूंकि लग्नेश है यहाँ पर, तो वो हमेशा शुभ रहेंगे और जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी तो वो आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब इसकी दूसरी राशि जो होती है वृष राशि, वो यहाँ पर 8वें भाव में है। तो 8वां भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो वो खराब हो जाता है, परंतु लग्नेश को 8वें भाव के दुष्परिणाम उतने नहीं लगेंगे। हाँ, हालांकि ये थोड़े से कष्ट देगा, बट चूंकि ये लग्नेश है तो आपके लिए मतलब तुला लग्न के जातकों के लिए जो शुक्र है वो बेनिफिक ही रहेगा, ठीक है। अष्टम भाव के परिणाम इसको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो तुला राशि वाले जातक होते हैं वो काफ़ी अच्छे सर्जन बनते हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं और उनके अंदर काफ़ी जो तंत्र मंत्र होता है उनका भी काफ़ी ज्ञान होता है। चूंकि जो शुक्र होते हैं वो सभी तंत्रों मंत्रों के ज्ञाता होते हैं और वो दैत्य गुरु हैं, तो उनको उनके पास हर एक तरीके के तंत्रों का ज्ञान होता है। तो जो शुक्र राशि वाले जातक होते हैं, अगर उनका शुक्र जो है वो 8वें भाव में है, तो ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे सर्जन बनते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं किसी भी चीज़ में। चूंकि 8वां भाव जो होता है वो डीप नॉलेज होता है, सर्जरी का होता है, किसी भी चीज़ को खोज करने का होता है, इन्वेंशन का होता है, क्रिएशन का होता है और आपके हिडन चीज़ों का होता है, आपके ससुराल का होता है और आपको सडन गेन्स का होता है। तो चूंकि वीनस इज रिलेटेड टू वेल्थ, सो इन दिस भाव वीनस कैन गिव यू अ हिडन वेल्थ, लाइक जैसे ब्राइबरी वगैरह मिलती है आपको या सट्टेबाजी से कोई आपको लाभ इस
की वजह से हो सकता है। तो लग्नेश है चूंकि, तो इसको आठवें भाव का दोष नहीं लगता है, इसलिए तुला लग्न के लिए शुक्र जो है वो योग कारक रहता है। ठीक है, तो पहला भाव और आठवां भाव हो गया, ये शुक्र के अधीन होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, तो कोई मुझे बताओ दूसरे भाव के बारे में, जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ दूसरे भाव में क्या लिखा हुआ है। एनीवन? हाँ, मंगल की राशि है, तो दूसरा भाव क्या रिजल्ट देता है, दूसरा घर क्या रिजल्ट? हाँ, गुड। हाँ, करेक्ट। और दूसरे भाव से क्या होता है, एक मारक भाव भी होता है, दो सात मारक भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस की। ठीक है, सेकंड हाउस को हम गोल कर देते हैं। सेकंड हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है, आठ नंबर यानी स्कॉर्पियो। तो जब भी स्कॉर्पियो राशि आ जाती है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्कॉर्पियो जो होते हैं वो गुप्त होते हैं, जैसे बिच्छू जो होता है वो छिप के रहने वाला होता है और काफ़ी गहरे पानी में रहता है या तो छिपा हुआ होता है। और दूसरा, ये जो दूसरा भाव है ये आपके वाणी का है, कुटुंब का है, आपकी स्पीच का है, आपके राइट आई का है, और इसके अलावा ये एक मारक भाव भी है। ठीक है, दूसरा भाव क्या है, मारक भाव भी है। अब यहाँ पर स्कॉर्पियो के जो लॉर्ड हैं वो मार्स हैं। अब मार्स और सैटर्न की आपस में बनती नहीं है, आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, और साथ साथ इसको एक दूसरा घर दे दिया गया। दूसरा घर जो होता है वो मारक घर है। अब इसके साथ इसका दूसरी राशि देखते हैं कि वो कौन सी है। तो इसकी दूसरी राशि जो है वो सातवें घर पर लिखी हुई है, और जो मेष राशि है इसकी वो सेवन्थ हाउस पे है। ठीक है, सेवन्थ हाउस। अब इसको एक साथ दो मारक घर दे दिए गए, पहला घर जो दूसरा घर है वो भी मारक है, सातवां घर है वो भी मारक है, परंतु चूंकि इसको एक केंद्र का भाव दिया गया, सेंटर, और केंद्र में एक पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो ये शुभ हो जाता है, परंतु इसका जो शुभत्व है वो इस दूसरे भाव में जो मारकत्व उसको मिला, और उसके साथ साथ ये दो मारक घर का स्वामी बना, साथ साथ मार्स और वीनस की आपस में एनिमिटी है, तो इस वजह से इस कुंडली के में मार्स जो है वो परम अकारक रहेगा, और हमेशा जब भी मार्स की दशा अंतरदशा आएगी तो आपके अपने घर वालों से झगड़े, आपके कुटुंब में जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे आपके झगड़े होते रहेंगे, आपके स्पाउस से आपके झगड़े होंगे, और मार्स की दशा अंतरदशा में आपका एक्सीडेंट वगैरह होने के भी चांसेस हो जाएंगे, और उस पर डिपेंड करेगा किसकी एस्पेक्ट्स है, राहु की एस्पेक्ट, सैटर्न की एस्पेक्ट, केतु की एस्पेक्ट। मंगल और केतु की अगर एस्पेक्ट हो गई तो सर्जरी होना तो तय है, और मंगल और राहु की एस्पेक्ट अगर हो गई, कॉम्बिनेशन बन गया या कोई एस्पेक्ट हो गया, तो फिर आपका एक्सीडेंट होना तय है। तो जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आती है, कहते हैं कि जो मारक होते हैं, एक साथ दो मारक घर उनको दे दिए जाते हैं किसी भी ग्रह को, तो उसकी दशा अंतरदशा में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, और इसके साथ साथ रुद्राभिषेक, आप लघु रुद्राभिषेक वगैरह भी करवाते रहेंगे। तो रुद्राभिषेक कराने से क्या होता है कि शिव जी जो होते हैं वो मृत्यु के देवता हैं, और शिव के आगे आकर सभी ग्रह नतमस्तक हो जाते हैं, तो अगर आप शिव का रुद्राभिषेक करेंगे उस समय में, तो आपको जो बीमारियाँ वगैरह हैं, जो आपके एक्सीडेंट के चांसेस हैं, जो आपकी सर्जरी के चांसेस हैं, जो आपके इश्यूज़ होने वाले हैं, वो आपको इश्यूज़ नहीं होंगे जब तक उसका असर रहेगा। तो हर तीन महीने में सलाह दी जाती है, और अगर जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा ही ख़राब है तो फिर और भी उसके उपाय किए जाते हैं, परंतु रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का डेली जाप करने से वो जो इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
तो तुला राशि वालों के लिए मार्स जो है वो अकारक हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा और सातवां घर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरे घर में कौन सी राशि लिखी हुई है? सेजिटेरियस। गुड। और सेजिटेरियस के लॉर्ड कौन है? बृहस्पति देव। वेरी गुड। और बृहस्पति और शुक्र की आपस में अच्छी तो नहीं बनती है, क्योंकि एक देवों के गुरु हैं और दूसरे दानवों के गुरु हैं। तो अब थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में राशि लिखी हुई है 9 नंबर, सेजिटेरियस, धनु। धनु के लॉर्ड हैं जुपिटर, जो कि एक शुभ ग्रह हैं, परंतु जुपिटर और वीनस की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि दो अलग-अलग टीचर जब आमने सामने आते हैं तो वो एक दूसरे की बुराई करते हैं। वो उसके बारे में बोलता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, वो बोलता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तो वैसे तो एक दूसरे के नेचुरल एनिमी माने जाते हैं, परंतु चूंकि दोनों टीचर हैं तो उस हिसाब से ये उतने शत्रु नहीं होते जितने कि वीनस और सन हैं, जितने कि वीनस और मार्स हैं। चूंकि एक गुरु, दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही शुभ हैं और दोनों को ही हर चीज़ का ज्ञान है, तो इसलिए उस ज्ञान की वजह से ये आपस में एक दूसरे को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जुपिटर मेल है, वीनस फीमेल है। तो अब इसको घर दिया गया है तीसरा। तो तीसरा घर आपको पता है त्रिक भाव है, अच्छा नहीं है, ठीक है। और इफर्ट का भाव है आपके डॉक्यूमेंटेशन का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का। अब इसके साथ साथ इसकी एक दूसरी राशि होती है मीन राशि। तो मीन राशि का घर आप देखिए कहाँ पे है, इसको दे दिया छठा घर। तो छठे घर में जुपिटर आ गए, तो इनको दोनों खराब घर दे दिए गए, एक तीसरा घर दे दिया गया और एक छठा घर दे दिया गया। तो दोनों ही घर खराब हैं। तीसरा एफर्ट्स का है और ये बीमारियों का है, ऋण का है। और ऋण से एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अभी याद आ गई। तो छठे भाव में अगर कोई राशि ऐसी होती है जिसका मूविंग टाइम जितना ज़्यादा होता है, तो आप जो डेप्थ लेते हैं वो उतने ही देर से आप चुका पाते हैं। ये इसकी एक फिलॉसफी, जैसे 12th में अगर सैटर्न बैठा है तो सैटर्न का जो मूविंग टाइम है वो सबसे ज़्यादा होता है। सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, ये जो प्लैनेट्स हैं इनका मूविंग टाइम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए अगर यहाँ पर सैटर्न या जुपिटर बैठे होते हैं तो आपके जो डेप्थ हैं वो उतने ही देर से आप चुका पाते हैं। यहाँ पर जितना शॉर्ट डिस्टेंस का ग्रह बैठा होगा, जैसे मून बैठा होगा, तो आपके डेप्थ जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट रहेंगे। बुध बैठा है तो वो शॉर्ट रहेंगे। और एक चीज़ और आपको लोन से संबंधित, डेप्थ से संबंधित और एक चीज़ बता देता हूँ कि मंगलवार और शनिवार को कभी भी आप कोई लोन ना ले, क्योंकि मंगलवार को जो लोन लिया जाता है या डेप्थ लिया जाता है या उधार लिया जाता है वो आप चुका नहीं पाते हैं जल्दी, वो काफ़ी देर से चुका पाते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि मंगलवार को कोई डेप्थ ना लें, शनिवार को कोई डेप्थ ना लें। उस दिन आपका चुकाने का दिन होता है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपका लोन ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप मंगलवार को चुकाना शुरू कर दीजिए, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और मंगलवार के दिन कभी लोन मत लेना, उस दिन का लिया हुआ लोन ख़त्म नहीं होता जल्दी। तो यहाँ पर जुपिटर को दो खराब घर दे दिए गए, एक तीसरा घर जो कि इफर्ट का है, आपके भाई बहन का है और आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है, साथ ही साथ ये एक त्रिक का भाव है, और इस साथ साथ इसको छठा भाव दे दिया गया। छठा भाव बीमारियों का है, आपके रोग का है, ऋण का है, आपके शत्रुओं का है। तो यहाँ पर जब जुपिटर आ जाता है
और साथ साथ इसको 3 और 6 दोनों खराब घर दे दिए गए। हाँ, मंगल और शनिवार को। हाँ, मंगल और शनिवार को आपको आपके लोन की किस्त चुकाना चालू कर दीजिए। आप जैसे लोन आपने जो लिया है उसकी किस्त आप मंगलवार को देना चालू कर दीजिए, आपका लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने मंगलवार को लोन मंगलवार के दिन लिया है तो वो लोन आपका काफ़ी लंबा चलेगा। आपको मंगलवार को लोन नहीं लेना चाहिए, बुधवार को लेना चाहिए, सोमवार को लेना चाहिए, उस दिन के लिए हुए लोन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। आपको देना है तो आप मंगलवार को ही दो। आपको तो दोगे तो आप चाहोगे ना कि लोन कभी ख़त्म ना हो, तो आपको तो पैसा चाहिए, तो आप मंगलवार को दो। आपके लिए तो सबसे अच्छा, अगर आप लोन देने वाले हो, लोन देने वालों के लिए तो सबसे अच्छा मंगलवार का दिन है। शनिवार को भी दे सकते हैं, मंगल और शनि दोनों दिन में जो है अगर आपने लोन लिया तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो आप अगर लोन देने वाले हो, आप लैंडर हो, तो लैंडर के लिए तो जितना उसका लोन लंबा चलेगा उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर जुपिटर को 2 खराब घर मिल गए, साथ ही साथ जुपिटर और वीनस की आपस में बनती नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जुपिटर जो है वो मैलिफिक में आ जाएगा। यहाँ पे गलत लिख गया है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है चौथे घर की। तो आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से कुंडलियाँ जो हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई हुई हैं। जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमने उनको अच्छे भाव, अच्छे घर चुन चुन के दिए हैं। और जो हमारे शत्रु हैं उनको पकड़ पकड़ के खराब घर दिए गए। बेटा तू मेरा शत्रु है, तुझे मैं कैसे अच्छा घर दूंगा। आप खुद ही, अगर आपका कोई दोस्त होगा तो जब आपको उसको कुछ देने की बारी आएगी तो आप चाहोगे कि उसको मैं अच्छी से अच्छी चीज़ दे दूँ। तो वही हाल यहाँ पर ग्रहों का भी किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर चौथे घर में कौन बैठा है, 4th हाउस शनि बैठा है। तो 4th हाउस में क्या लिखा हुआ है, 10 मकर, ठीक है। अब साथ साथ इसकी जो दूसरी राशि होती है कुंभ, वो कहाँ है, 5वें घर में। तो आप देखिए कितना बढ़िया इस तुला लग्न वालों के लिए शनि कितना खूबसूरत जगहों पे बिठाला गया है। एक तो वो केंद्र केंद्र में बैठा है, और केंद्र में पापी घर जब बैठा होता है तो वो शुभ हो जाता है। तो चौथे भाव में भी वो शुभ है। इसके साथ साथ इसको एक त्रिकोण का घर दिया गया है, और त्रिकोण के घर में तो शुभ होता ही है। ग्रह जो भी होता है वो अच्छे रिजल्ट देता है। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का योग भी बन रहा है, केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग भी का निर्माण कर रहा है। तो इस कुंडली में शनि अत्यंत शुभ है, अत्यंत मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। जब भी शनि की दशा अंतर दशा आएगी तो वो उसको इतने अच्छे रिजल्ट देगी, उसके घर से संबंधित, उसके घर में आज उसको सुख शांति मिलेगी। वो घर खरीदना चाह रहा है तो घर खरीद लेगा, और उसको जो भी जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसकी संतान से संबंधित उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसको उस समय एंटरटेनमेंट से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्रिएटिविटी उसकी उस समय बढ़ जाएगी। मतलब उसको शनि की जब दशा अंतर दशा आएगी तो वो अत्यंत शुभ परिणाम देगी। जो शुक्र और शनि की मित्रता जो है वो, हाँ, तुला लग्न की कुंडली में, तो तुला लग्न की कुंडली में शनि परम परम कारक ग्रह माना जाता है। वैसे भी शुक्र और शनि की जो मित्रता है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। शुक्र की जो कुंडली, जो शुक्र के लग्न होते हैं उनमें शनि परम कारक होता है, और जो शनि के लग्न होते हैं उनमें शुक्र परम कारक होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, और चूंकि दोनों ही दैत्य श्रेणी में आते हैं और दोनों ही परम मित्र हैं तो इसके लिए ये परम कारक ग्रह है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल अच्छा मिलेगा। देखिए आपको बच्चों की तरह एक चीज़ आप रट लो, आपको जो फ्रेंड और एनिमिटी बताई है वो आपको हर जगह लगानी है, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे वो प्लेनेट हो,
चाहे वो राशि हो, आपको फ्रेंड एनिमिटी तो लगानी लगानी है। अगर अगर आपका जो ग्रह है वो दैत्य है, आपका नक्षत्र अगर जो है वो देव है, तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। नक्षत्र क्या है? एक गाड़ी है। जैसे आप जो प्लेनेट है वो आप हो, प्लेनेट आप हो और नक्षत्र आपकी गाड़ी है। तो जब आप दैत्य हो और आपको देवों की गाड़ी मिल गई, सपोज आपको कार मिल गई देव की, ये आप हो और ये जो आपकी कार है, इस कार को बोल दो आप नक्षत्र बोल दो, ये आप हो प्लेनेट हो। तो अगर आप देव श्रेणी के प्लेनेट हो और आपको कार मिल गई दैत्य की, तो ये तो आपको पलटाने की कोशिश करेगा ना कि साले को कब गिरा दें और हम इसके ऊपर हावी हो जाएं, क्योंकि ये देव है। और यही उल्टा अगर आप दैत्य हो गए तो ये देव की कार होगी, तो वो आपको पलटाने की कोशिश करेगी। वहीं अगर आप दैत्य हो, ये भी दैत्य श्रेणी का है नक्षत्र, मतलब नक्षत्र भी दैत्य श्रेणी का, आपका प्लेनेट भी दैत्य श्रेणी का, तो फिर आपको फुल स्पीड चले जाएगी, फिर ये आपको BMW बन जाएगी। और अगर ये आप देव हो दैत्य हो, तो समझ गए ना आप इस चीज़ को, तो वो हर जगह जो फ्रेंड एनिमिटी जो है वो हर जगह काम आती है। बाकी जो नक्षत्रों के जो पद होते हाँ, एक ही हाउस में बैठे होंगे तो ये जो हैं, चूंकि आपस में तो शत्रु हैं, ठीक है, और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, परंतु एक दूसरे को फायदा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान रहा है कि हम उसके सारे राज जानते हैं और वो देख रहा है कि हम उसके सारे राज जानते हैं। हाँ, हम भी ज्ञानी हैं, वो भी ज्ञानी हैं। तो हम इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, या दोनों एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये उस राशि पे डिपेंड करेगा कि वो किसकी राशि पे बैठे हैं और उसमें एस्पेक्ट किसका है। बट जनरली जब वीनस और गुरु एक साथ बैठे होते हैं, तो वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब बचते हैं हमारे पास ये नवा नवा घर बचा, नाइन्थ हाउस हुआ, नाइन्थ हाउस बच, हाँ नाइन्थ हाउस में आपका बैठा हुआ है बुध। राशि कौन सी? मिथुन। ठीक है, अब बुध और शुक्र भी आपस में अच्छे मित्र हैं। ठीक है, और इसकी जो दूसरी राशि है वो देख लेते हैं कहाँ है, वो है 12वें घर में। तो अब 12वां घर तो अच्छा नहीं है, 12th हाउस में इसकी कन्या राशि है, परंतु ये जो नवा घर है 9th हाउस है, ये आपका मोस्ट बेनिफिक हाउस है आपकी कुंडली में। 9वें घर का जो लॉर्ड होता है वो आपकी कुंडली में जिस भी जगह पर बैठता है उस जगह की शुभता में वृद्धि कर देता है। वो आपके लिए परम कारक ग्रह होता है। कुछ कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो बिना कुछ देखे बोल देते हैं, तो वो अक्सर जो आपके 9वें का लॉर्ड होता है उसकी आपको अंगूठी पहना देते हैं बिना देखे कि उसका प्लेसमेंट कहाँ है। तो ये उनकी फिलॉसफी है, ये इसी बेस पे है कि नवा जो होता है वो आपका भाग्येश है। आपका भाग्येश आपकी कुंडली के जिस भी घर में बैठेगा उस घर की शुभता में वृद्धि कर देता है। तो बुध को एक मोस्ट बेनिफिक हाउस मिला है यहाँ पर नवा, साथ ही साथ इसको एक 12वां हाउस भी मिला है, परंतु 9वें की जो शुभता है वो 12वें की अशुभता को कम कर देती है। तो और साथ ही साथ ये शुक्र का फ्रेंड भी है, तो इस कुंडली में मरकरी जो है वो बेनिफिक आपको योग देगा, आपकी कुंडली में वो बेनिफिक प्लेनेट का काम करेगा। जब भी शुक्र की, जब भी बुध की दशांतर दशा आएगी तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकती है और आपके जो बिजनेस होगा उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं और आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है, लॉसेस का तो होता ही होता है, बट इन्वेस्टमेंट
का भी घर हाउस होता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बुध आपको, चूंकि बुध बुद्धि का ग्रह है, तो ऐसे समय में बुध आपको शेयर मार्केट में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपको लाभ भी देगा। तो इस तरीके से इस कुंडली में बुध कारक ग्रह बन जाएगा। अब बचते हैं दो ग्रह जो कि हैं देव ग्रह, और ये कुंडली है दैत्य श्रेणी की। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि वो जो दोनों हैं उनको अच्छे घर नहीं मिले होंगे और वो इस कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं होंगे, क्योंकि वैसे भी चंद्र और सूर्य के साथ शुक्र की उतना अच्छा याराना है नहीं। शुक्र के सूर्य के साथ तो बहुत ही उसकी बुरी दुश्मनी है। तो अब बारी आती है दसवें घर की। दसवां घर यानी कि केंद्र का घर, ठीक है। अब इसमें बैठा कौन है? चौथा कर्क, लॉर्ड मून। मून एक बेनिफिक प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट को सेंटर का घर दे दिया तो वो क्या हो गया? अशुभ हो गया, ठीक है। जब भी बेनिफिक प्लेनेट को केंद्र का भाव दे दिया जाता है तो वो अशुभ हो जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा दसवें घर में कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दसवां घर जो होता है वो शनि का होता है। ये जो दसवां घर इसका लॉर्ड है काल पुरुष की कुंडली में, वो शनि घर को दिया गया है। और शनि और चंद्र की मित्रता नहीं है, विष दोष का निर्माण होता है शनि और चंद्र जब मिलते हैं, इसलिए इस घर में वैसे ही चंद्र जो है वो शुभ नहीं होता। और साथ ही साथ चंद्र और शुक्र की भी नहीं है, सास और बहू का रिश्ता होता है चंद्र और शुक्र का। जब भी किसी की कुंडली में चंद्र और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो उस जातक या उस जातिका की कुंडली में आप आंख बंद करके ये बोल सकते हो कि उसकी उसकी सास से नहीं बनती होगी, बिल्कुल नहीं बनती होगी उसकी सास से। ये चंद्र और शुक्र अगर एक साथ बैठते हैं तो ये लाल किताब का ये जो वो है रिजल्ट, वो मैंने आपको बताया। आपको किसी कुंडली में देख लेना तो आप उसको आंख बंद करके बता देना, आपको वो दिख जाएगा कि उसकी सास बहू की कभी नहीं बनती। अगर मेल के चार्ट में है तो उसकी भी उसकी सास से नहीं बनती होगी। हालांकि मेल लोग जो हैं वो सास के साथ कम रहते हैं, बट फीमेल लोग सास के साथ ज़्यादा रहती हैं, तो मेल को उतना फर्क पड़ेगा नहीं, परंतु उसकी सास से बनती नहीं होगी। आप कभी इस चीज़ को आजमा के देख लेना। ये बीच बीच में जो ये सूत्र मिल जाते हैं इनको आप नोट कर लेना, क्योंकि वो इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं आपको। ये कई सारी कुंडली देखने के बाद ये चीज़ें सब निकल के आती हैं। अब बचता है एक आखिरी ग्यारहवां। तो ग्यारहवां घर तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ग्यारहवें घर का जो लॉर्ड होता है वो कभी भी शुभ नहीं होता है, हमेशा अशुभ होता है। तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ है लियो, लियो के लॉर्ड हैं सन। सन और वीनस की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल बिल्कुल कटाक इनका वो है, आपस में एक दूसरे की बिल्कुल नहीं इनकी पटती है। और साथ ही साथ इसको त्रिशड़ाया भाव भी दिया हुआ है। और ग्यारहवें घर का जो लॉर्ड होता है वो कभी भी आपकी कुंडली के लिए शुभ नहीं होता है। ग्यारहवें घर में अगर कोई ग्रह बैठा होता है तो वो परम शुभ होता है, परंतु उसका लॉर्ड हमेशा अशुभ होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस कुंडली में जो दैत्य श्रेणी के हैं वही शुभ हैं, जैसे मरकरी तो ड्वेल है, वीनस सैटर्न ये तीनों शुभ हैं, और जो देव श्रेणी के ग्रह हैं सन मून मार्स जुपिटर ये सभी जो हैं वो मैलिफिक हैं और ये बेनिफिक हैं। तो ये तुला लग्न की कुंडली हो गई। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं जल्दी से वृश्चिक के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ जल्दी पूछो पूछो पूछो। हाँ हाँ देखिए हम नहीं, हम यहाँ पर जो अभी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो हम लग्न को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
जो आप डेली जो राशिफल वगैरह देखते हैं कहीं भी अखबार में आप देखते होंगे या मैं भेजता हूँ, वो आपके मून के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो जो राशिफल होता है वो मून के हिसाब से डिपेंड करता है। अब आपकी कुंडली में आपका लग्न तो तुला है, पर आपका चंद्र जो है वो बैठा हुआ है यहाँ पर, सपोज 12वें घर में। 12वें घर में क्या लिखा हुआ है? 6 नंबर कन्या, तो आपकी राशि हो गई कन्या। ठीक है, ये फर्क है। जहाँ पर चंद्र बैठा होता है वही आपकी राशि होती है, और जो आपका पहला नंबर का घर होता है वो आपका लग्न होता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। अब राशि और जो लग्न है वो अगर आप सेम होते हैं तो वो अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे राशि अगर फायरी हो गई, लग्न अगर फायरी हो गया और ये वाटरी हो गया, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ऐसे ही जातक जो हैं वो बीमार काफ़ी रहते हैं और उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ख़राब रहती है। तो अगर लग्न और राशि दोनों फायरी हो गई, दोनों वाटरी हो गई, दोनों अर्थी हो गई, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। परंतु अगर उनके बीच में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन पाया, चूँकि हर एक कुंडली तो गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, तो वो उस हिसाब से उसको देखना है कि उसमें कैसे सामंजस्य बिठाना है। तो ये बहुत लोगों की कुंडली में आपको दिख जाएगा कि राशि फायरी है और उसका जो लग्न है वो वाटरी है, या राशि वाटरी है और जो उसका लग्न है वो एरी है। तो वो भी आपको देखना है कि उनके बीच में कैसी फ्रेंडशिप है, तो उस हिसाब से ही वो उसको रिजल्ट भी देती है। परंतु जब हम कुंडली देखते हैं तो हम लग्न के हिसाब से देखते हैं, और जब हम राशियां वगैरह देखते हैं वो सिर्फ राशि फल के लिए ही हम राशियों को देखते हैं। और जब स्पेसिफिक जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो आपके लग्न के ऊपर बनी हुई है, जो आपकी अलग अलग जो चार्ट हैं, जो आपका लग्न चार्ट होता है, आपका नवमांश चार्ट होता है, आपका मून चार्ट होता है, आपका सन चार्ट होता है, इस तरीके से कई सारे चार्ट्स होते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली देखना है तो फिर आप उस चार्ट को देखोगे। जैसे आपको पिता के बारे में देखना है तो आप सन चार्ट के बारे में देखोगे, आपको माता के बारे में देखना है तो मून चार्ट के बारे में देखोगे, आपको अपनी जॉब के बारे में देखना है तो दशमांशा चार्ट के बारे में देखोगे, आपको अपने स्पाउस के बारे में देखना है तो नवमांशा चार्ट के बारे में देखोगे, आपको अपने पितरों के बारे में देखना है या आपके जो लीनेज चली आ रही है, जो आपके डीएनए है, तो आपके उसमें जो 12वां है आपका वो चार्ट देखेंगे। तो इस तरीके से D12 चार्ट है, इस तरीके से अलग अलग चार्ट हैं, परंतु यहाँ पर जो स्पेसिफिक है वो सिर्फ लग्न से ही हम देखते हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो चंद्रमा की दृष्टि आपको देखनी होगी कहाँ जा रही है। चंद्रमा की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके आपके 4th हाउस में आ रही है। ठीक है, तो चंद्रमा चूँकि आपका जो जो धन का स्थान है वो ये है, यहाँ पर बैठा हुआ है वृश्चिक, आपका वृश्चिक मार्स, तो आपको जो धन आएगा वो ज़्यादातर आपका जो है वो लैंड के बिजनेस से आएगा। और मूवेबल चूँकि यहाँ पर आपके कर्म, जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ पर चंद्र बैठा हुआ है, तो उससे जो आपकी जॉब है वो आप जल्दी जल्दी छोड़ोगे, जो आप जॉब में जल्दी जल्दी स्विच करोगे। जैसे आईटी सेक्टर वाले होते हैं, वो लोग एक जॉब में कुछ दिन रहे, दूसरी जॉब को पकड़ लिया, तीसरी जॉब पकड़ लिया, तो उनकी जो स्विचिंग है वो फास्ट हो जाएगी। वहीं अगर यहाँ पर सैटर्न बैठ जाएगा तो आप एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो बुढ़ापा रिटायरमेंट वहीं से होके छोड़ोगे। तो ये उस राशि के कारक तत्व हर एक जगह पर काम करते हैं। मैंने आपको शुरू से बोला है दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कारक तत्व, एक उसकी एनिमिटी और फ्रेंड। अगर आपने ना समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो बिलीव में आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई। आप उस राशि के कारक तत्व को देख के हर चीज़ बता सकते हो। जैसे आपने एक बहुत अच्छा एक जो बताया कंसेप्ट, वो इससे आपको समझ आ गया कि चूंकि चंद्रमा जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 10वें भाव में बैठ गया, तो आप अपनी जॉब को जल्दी जल्दी स्विच करोगे, आपकी जो एक नौकरी जो लगेगी वो फिक्स नहीं लगेगी, या फिर आप बिजनेस करोगे तो वो आप जल्दी जल्दी स्विच करोगे। तो वो सब राशियों के कारक तत्व, प्लैनेट के कारक तत्व को देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर मैं वृश्चिक चलूं, 10-20 तो हो चुका है, चलिए मैं करा देता हूं, आज करा दूं कि रुकूं? ठीक है, चलो चलो, इसको बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं है, मैंने तो बनाया था।
अब पढ़ते हैं हम लोग वृश्चिक के बारे में। तो वृश्चिक जैसे आपको दिख रहा है, बिच्छू, बिच्छू ये काल पुरुष की कुंडली में इसका घर आठवां है, और आठवें को हम लोग क्या बोलते हैं, गंदा पानी, गंदे पानी का स्रोत, ठीक है, गंदा पानी का स्रोत, हिडन, ऑकल्ट, छुपा हुआ, कोई भी चीज छुपी हुई जो है, हिडन है, वो इससे देखी जाती है। साथ ही साथ आपको इसके जो बिच्छू से आपको समझ आता होगा कि बिच्छू का काटा हुआ पानी नहीं मांगता। तो जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं वो अगर आप उनको छेड़ोगे तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो मेष की तरह उग्र तो नहीं होते हैं कि हर एक को मारने को घूमेंगे, परंतु अगर आप उसके रास्ते में आए तो फिर वो आपको, अगर उसने आपके ऊपर उसने चढ़ाई कर दी तो फिर आप उसे जीतना आपका मुश्किल है। वैसे भी ये मार्स के अधिपत्य वाले होते हैं तो इनके अंदर एनर्जी होती है, परंतु मेष की तरह एग्रेसिव नहीं होते। ये लोग थोड़े से शाई नेचर के होते हैं, थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है मेष की तरह नहीं होता, क्योंकि ये लोग छुप के काम करना पसंद करते हैं। मतलब ये लोग एक अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, छुप के काम करने वाले लोग होते हैं, और जो मेष वाले होते हैं वो लोग फ्रंट में आके काम करने वाले लोग होते हैं, लीड करने वाले काम होते हैं, बट ये लोग छिप के काम करने वाले होते हैं। इसके साथ ही साथ ये आठ आठ नंबर की राशि है, तो आठ नंबर क्या हुआ, आठ नंबर के हिसाब से ये फीमेल हुई, और साथ ही साथ ये जो है एक फिक्स राशि है, ये जहाँ पर होते हैं वहीं पड़े रहते हैं, जल्दी जल्दी अपना स्थान चेंज नहीं करते हैं। तो ये इतनी सारी इस राशि वालों की विशेषताएं हो गई। हाँ, स्थिर राशि बोला ना, फिक्स। तो इसका चार्ट बना लेते हैं। अगेन फिर से ये एक देव श्रेणी का लग्न है, और देव श्रेणी का लग्न है तो आपको पहले से पता चल गया होगा कि इसमें देव श्रेणी के जो प्लैनेट्स होंगे उनको अच्छे घर दिए होंगे, और जो दैत्य श्रेणी के प्लैनेट हैं उनको खराब घर दिए होंगे। एस्ट्रोलॉजी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको इसमें एक बार इंटरेस्ट जग गया तो आप जब चीज़ों को अपने आसपास देखोगे, जैसे साइंस होती है, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, मैंने तो बीटेक किया है, एमबीए किया है, तो हम लोग तो जब तक किसी कंसेप्ट को सामने से दिखता नहीं था तब तक समझ नहीं आता था। तो जैसे जब हम लोग मैथ पढ़ते थे तो हम लोगों को जो स्टैटिस्टिक्स थी वो पढ़ने में मज़ा आता था, परंतु वहीं जब हम कैलकुलस पढ़ते थे तो कैलकुलस पढ़ने में हमको मज़ा नहीं आता था, क्योंकि कैलकुलस के जो फार्मूलेस होते थे वो फार्मूला बेस्ड होते थे और हमको रियल लाइफ में दिखते नहीं थे। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ते हो, जब अपने आसपास के लोगों के ऊपर उसको लगाते हो, जब आपको चीज़ें दिखती हैं और जब आपका फलित होते हुए आपको दिखता है, तो आपको इतनी खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी की सहायता से लोगों की इतनी मदद कर सकते हो, इतनी मदद कर सकते हो कि भगवान का जो दिया हुआ एक आशीर्वाद है वो आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो, और भगवान भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अपने चुने हुए लोगों को ही देता है। सबके पास ये ज्ञान जाता नहीं है, सब लोग इसको सीखने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। जिनको गॉड ने चुना हुआ होता है वो लोग ही एस्ट्रोलॉजी को सीखने में अपना रुचि दिखाते हैं और दूसरे लोगों को सहायता करते हैं। और कई सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो पैसे के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें करवाते हैं, लोगों से पैसे खर्च करवाते हैं, तो उनकी कुंडली में वो अपने कर्मास खराब कर रहे हैं, उनके आगे आने वाली पुश्तें जो हैं वो उसको बियर करेंगी, पितृ दोष वगैरह जो लगते हैं वो ऐसे ही लगते हैं। तो आप
अगर इसको अपने प्रोफेशन भी बनाएं, तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा कि आपके सामने अगर कोई असहाय आए जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसका आप अपने मन से जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद ज़रूर करिएगा। और अगर आपके मन में एक दूसरे की हेल्प करने का मोटो होगा, तो ऊपर वाले की डिवाइन पावर आप खुद देखोगे। जब आप किसी की कुंडली को देखने जाओगे तो आप फील करोगे डिवाइन पावर को, कि आपके अंदर डिवाइन पावर आती है। आप जो चीज़ें बोल देते हो वो चीज़ें हो जाती हैं, आपको खुद पता नहीं चलता यार मैं ये कैसे मैंने इसको बोल दिया। आपके पास जब वो एक दो तीन महीने के बाद आएगा कि आपने जो बताया था मैंने किया और वो सही हो गया, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऊपर वाला ही करवा रहा है। तो अगर आपके जो एम है वो अच्छा है, तो ऊपर वाला भी आपको ज़रूर मदद करता है और आपका जो फलित है वो काफ़ी सक्सेस रहता है। तो यहाँ पर बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो की मैंने आपको विशेषताएं बता दी, तो अब शुरू करते हैं लग्न से। तो लग्न जो फर्स्ट हाउस है उसको लग्न बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस में क्या लिखा हुआ है, आठ नंबर लिखा हुआ है। आठ नंबर का मतलब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लॉर्ड कौन हो गए, मार्स हो गए। और मार्स चूँकि लग्नेश हैं तो इस कुंडली के लिए कारक रहेंगे। साथ ही साथ इसको एक दूसरा जो इसकी राशि है मेष, वो कहाँ पर है, वो है आपके सिक्स हाउस में। हाँ, तो छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ये लग्नेश है तो इसको सिक्स का कर्स नहीं लगता है। तो इस कुंडली में जो मार्स है वो बेनिफिक की श्रेणी में ही आता है, और जब भी इसकी दशा अंतरदशा आती है। अच्छा, आपको मैं एक और रेमेडी बताता हूँ, याद आ गई तो बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको मार्स को खुश करना हो, मार्स आपकी कुंडली में आपको खराब परिणाम दे रहा हो, तो आप ब्लड डोनेशन जो होता है, अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो आप मार्स की जितनी भी आपके अंदर बुराई है, आपके जितना कुंडली में कितना भी मार्स खराब हो, आपको बुरे से बुरे परिणाम दे रहा हो, आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहिए, आपका मार्स अच्छा हो जाएगा, आपको कभी ख़राब परिणाम नहीं देगा। और उसके साथ साथ दूसरी रेमेडी इसकी ये है कि मार्स क्या होता है, एक स्पोर्ट पर्सन होता है और उसको व्यायाम वगैरह पसंद होता है। जैसे आप हनुमान जी को देखते होंगे कि किसी भी व्यायामशाला किसी भी जिम में आप जाओ तो हनुमान आपको ज़रूर दिखाई देते हैं। तो अगर मार्स आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप कोई स्पोर्ट वगैरह खेलना चालू कर दें, और या फिर आप जिम जाना चालू कर दें, तो फिर मार्स आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, चूँकि मार्स वही कराना चाहता है आपसे। इसको कर्म अलाइनमेंट टेक्निक के हिसाब से रेमेडी मैंने आपको बताई। तो ये रेमेडी भी बीच बीच में मुझे जो कुछ याद आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें उसको तो नोट कर लें, चूँकि वो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले और छठे भाव में जो है वो लग्न है, और लग्न जो है उसको छठे और आठवें का दोष नहीं लगता है। तो इस कुंडली में जो है मार्स है वो बेनिफिक रहता है और आपको अच्छे परिणाम देता है। जब उसकी पूर्वार्ध आता है तो वो आपकी, उस समय आप अपनी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी काम करेंगे। और जब उसका उत्तरार्ध आएगा तो उस समय आप कि आपको जॉब से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके जो शत्रु हैं वो आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, और जो आपका जो डेप्थ है वो आप उसकी दशांतर दशा में ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्स इस लग्न के जातकों के लिए शुभ रहेगा और कारक का काम करेगा, क्योंकि वो लग्नेश है, वो उसका ही बच्चा है, तो अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है। ये एग्जांपल याद रखिएगा आप लोग। हाँ, कभी कभी मार्स कभी कभी लग्नेश भी खराब फल दे देता है, जब वो राहु के साथ दृष्ट होता है, केतु के साथ दृष्ट होता है। वो आगे जब एग्जांपल्स वगैरह करेंगे तब ऐसा कोई एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो इसके बाद बारी आती है दूसरे घर की, सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में कौन बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है। ठीक है, जुपिटर मार्स का फ्रेंड है, जुपिटर और मार्स की बनती है। अब इसके साथ साथ इसको दूसरा घर दिया गया है। दूसरा घर आपको पता है कि आपके वेल्थ का होता है, आपके कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। साथ ही साथ ये मारक भी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका दूसरा राशि कहाँ पे लिखी हुई है। तो इसकी दूसरी राशि जो है वो कहाँ है, पांचवें घर में। अब आपको पता है कि पांचवा घर तो परम
कारक है, सबसे ज्यादा कारक होता है 9। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, पहला, पांचवा, नौवा, सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा होता है, उससे कम, फिर उससे कम। तो ये जो ट्रायंगल के तीनों चीज हैं, ये हमेशा अच्छे ही रहते हैं। ये एक ट्रायंगल बनता है 1, 5, 9 का, तो इसमें जो ग्रह होते हैं वो आपको अच्छा परिणाम देते हैं। तो बृहस्पति को यहाँ पांचवा घर दिया गया, जो कि त्रिकोण का घर है। तो पांचवें घर की वजह से जो इसकी मारक वाला जो अशुभता है वो उतनी नहीं रहेगी, और इस कुंडली में जुपिटर जो है वो कारक का काम करेगा। तो अब चूंकि लग्न से चलने पर पहले आती है इसकी धनु राशि और बाद में आती है इसकी मीन राशि, तो जो इसकी पूर्वार्ध की दशा आएगी तो उस समय आपको धन से संबंधित चीज़ों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपकी वाणी उस समय अच्छी रहेगी, आपको कुटुंब से संबंधित चीज़ों में आपको कुटुंब का सुख मिलेगा, कोई शादी विवाह या फंक्शन ऐसा आपके घर परिवार में हो सकता है। साथ ही साथ आपको उस समय थोड़ा सा मारक चीज़ों को भी देखना होगा कि थोड़ा सा मारक का भी रोल अदा कर सकता है, दूसरे ग्रहों की दृष्टि, एस्पेक्ट या कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। परंतु जो पांचवा, जब इसकी उत्तरार्ध की दशा आएगी तो उस समय ये आपको बच्चों से संबंधित, आपकी संतान से संबंधित, आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित, आपकी जो इंटरटेनमेंट है उसमें ये काफ़ी आपको अच्छे परिणाम देगा। और कुल मिलाकर इस कुंडली में जुपिटर जो है वो एक शुभ प्लेनेट माना जाएगा। वैसे भी आप देखो, जब दोस्त होता है तो दोस्त अगर थोड़ा सा खराब भी होता है, जैसे दोस्त अगर तो भी वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपको हमेशा सहायता करने की ही सोचता है। ये पुराने ज़माने के हिसाब से कहा जा रहा है, आजकल तो अच्छे दोस्त मिलना मुश्किल है। पुराने ज़माने की दोस्ती तो आपको पता ही है कैसी होती थी, आजकल तो किसी भी का उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बात आती है थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस आपको पता है इत्रिक भाव है, खराब है, इफर्ट का है। साथ ही साथ इसमें कौन बैठा हुआ है? मकर, सैटर्न, जो कि मार्स का परम शत्रु है, और साथ ही साथ इसको एक दूसरी जो इसकी राशि है कुंभ, वो कहाँ पर बैठी हुई है? चौथे घर में। ठीक है, तो चौथा घर में चूंकि एक पाप ग्रह बैठा हुआ है तो ये यहाँ पर चौथे घर के तो शुभ परिणाम देगा, परंतु जो तीसरे घर के वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। साथ ही साथ जो सैटर्न और मार्स की आपस में एनिमिटी है, तो इस कुंडली के लिए सैटर्न जो है वो मैलिफिक का ही काम करेगा, परंतु जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो वो शुरुआत में तो आपको बहुत ख़राब परिणाम देगा। आपको इतने सारे एफर्ट करने होंगे, कोई भी काम आप शुरू करना चाहोगे उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको उस काम में इतना एफर्ट करना पड़ेगा कि आप थक जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, आप बिल्कुल इफर्टलेस हो जाओगे, होपलेस हो जाओगे, क्योंकि शनि इतना शनै शनै काम करता है कि आप थक के चूर हो जाओगे। और जब उसकी उत्तरार्ध आएगा तो वो आपको थोड़े से शुभ परिणाम भी देगा, आपको घर से संबंधित, आपको घर में आके शांति मिलेगी, आपको घर से संबंधित चीज़ों में, आपकी बेसिक एजुकेशन से संबंधित चीज़ में, और जो भी चौथे घर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें थोड़े से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और वो डिपेंड करेगा दूसरे घर के, दूसरे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट कैसे होते हैं, परंतु ओवरऑल इस कुंडली में चूंकि ये मार्स और सैटर्न आपस में शत्रु हैं तो ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। अब अगला घर कौन सा बचा? वीनस। तो वीनस, जैसे कि आपको पता है, वीनस और मार्स की बनती नहीं है, तो सातवां हाउस।
सेवेंथ हाउस यानी ब्रश, ब्रश का लॉर्ड वीनस, वीनस एंड मार्स, साथ ही साथ सातवां घर मारक, और वीनस एक शुभ ग्रह है सेंटर में आ गया, अशुभ हो गया। ठीक है, तो सातवें घर में तो ये अशुभ हो गया। अब इसकी जो दूसरी राशि है लिब्रा, वो आप देखिए कहाँ पर है। लिब्रा है ये बारहवें घर पे, ट्वेल्थ हाउस, तो ट्वेल्थ हाउस भी अच्छा नहीं है। वैसे तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वीनस का ट्वेल्थ हाउस अच्छा माना जाता है, परंतु इस कुंडली में चूँकि मंगल जो किसका लग्नेश है और वीनस की आपस में बनती नहीं है, तो ये आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, आपको लॉसेस देगा। और साथ ही साथ इसको एक केंद्र का भाव मिला सातवां, और उसकी वजह से ये अशुभ हो गया। साथ साथ इसको बारहवां घर मिला, वहाँ पर भी ये अच्छे परिणाम नहीं देगा, लॉसेस वगैरह देगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी आपको लॉसेस देगा, और आपका जो आप किसी के साथ इसकी दशा अंतर्दशा में आपके साथ किसी भी के साथ रिलेशन बनते हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होती है, किसी भी गर्ल से आपके रिलेशनशिप बनती है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। तो वो जो आशिक होते हैं, वो दिल जले वाले, वो इसी परिणाम की वजह से होते हैं, क्योंकि शुक्र उसकी कुंडली में जो है वो बारहवें भाव में है, और बारहवां भाव क्या है, डिटैचमेंट का है। तो यहाँ पर कोई कन्या आपकी बैठी हुई है तो वो आपसे डिटैच हो जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। तो इस तरीके से इस कुंडली में शुक्र जो है वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है आठवां घर बचा, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां। तो आपको पता है कि मरकरी और मार्स की भी बनती नहीं है बिल्कुल भी। राजकुमार मंत्री राजकुमार के साथ जब जाता है तो बेचारा उसके ऊपर ही सारा प्रेशर आता है, तो वो उसको मनी मन गालियां देता है कि यार इस बच्चे को मेरे साथ भेज दिया युद्ध के मैदान में, राजा खुद तो घर में बैठा है, और मुझे इस बच्चे के साथ भेज दिया, अब तो मुझे ही सब सामना करना पड़ेगा, सारी रणनीति मुझे बनानी पड़ेगी, और ये बच्चा आके कहीं से भी आ जाएगा और सब कुछ मुझे झेलना है, तो फिर वो उसके साथ अच्छा नहीं होता। तो ये आठवां एट्थ हाउस जो कि एक ख़राब घर है, इसमें आपका जेमिनी, जेमिनी का लॉर्ड मरकरी, मरकरी एंड मार्स नहीं बनती। इसके साथ साथ इसकी जो दूसरी राशि है कन्या, वो देखते हैं कहाँ पर है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कन्या, ये ग्यारहवां। तो त्रिशड़ाया इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड कभी अच्छा नहीं होता, कन्या भी खराब, जेमिनी भी खराब, दो खराब घर मिल गए बुध को, और साथ ही साथ ये इसका शत्रु भी है। तो इस कुंडली में बुध जो है वो परम अकारक हो जाएगा, मोस्ट, सबसे ज़्यादा खराब परिणाम यही देगा, क्योंकि दो खराब घर दिए गए हैं। जब भी इसकी बुध की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी आपको जो आपका सोशल नेटवर्क है, जो आपके दोस्त हैं, वो सब आपसे रूठ जाएंगे, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगोगे, आपको कई सारी बीमारियां घेर लेंगी, जो नसों से संबंधित बीमारियां होती हैं वो आपको लग जाएंगी, जो मेमोरी से संबंधित बीमारियां होती हैं जैसे पार्किंसन वगैरह, और इस तरीके से काफ़ी बीमारियां जो मरकरी से रिलेटेड होती हैं, आपकी बुद्धि उस समय अच्छा काम नहीं करेगी, और आपको
सट्टेबाजी से काफ़ी नुकसान होगा। आप सट्टेबाजी में पैसा लगाओगे, शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपको काफ़ी लॉसेस होगा। जैसे पुरानी कुंडली में मैंने बताया था कि बुध की दशा में आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपको गेंस होंगे, बट इसकी इस कुंडली में अगर आप वीनस की दशा अंतरदशा में शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, एक पैसा भी आप कमा नहीं पाओगे। तो इस तरीके से मरकरी जो है स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए अच्छी नहीं रहती है, अच्छा नहीं रहता है, उसके लिए बेनिफिट नहीं होता है। अब इसके दो परम मित्रों की बारी आ गई मार्स के, जो इसके परम मित्र हैं सूर्य, जिसके साथ वो अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करता है, जो उसका राजा है। तो सबसे पहले तो बारी आती नाइन्थ हाउस की, ठीक है, नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है कर्क, कर्क अलॉर्ड मून। अब मून और मार्स आपस में फ्रेंड हैं, साथ ही साथ ये एक त्रिकोण का घर है और परम योगकारी ग्रह है, आपका लक का हाउस है। तो जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी तो आपका भाग्य उस समय काफ़ी आपको अच्छे परिणाम देगा, और अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है तो आप मोती पहनेंगे तो आपका जो लक है वो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। और इस दशा अंतरदशा में आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, खासतौर से फॉरेन की फॉरेन आप जा सकते हो इसकी दशा अंतरदशा में, या फिर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ज़रूर करोगे। और इसकी दशा अंतरदशा जब भी आएगी तो आप किसी धर्मार्थ किसी पिलग्रिमेज में का भी ट्रैवल आप करोगे, काफ़ी सारे पिलग्रिमेज में जाओगे आप। ओवरऑल जो मून की दशा होगी वो आपको लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी इस, और आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आएगी। अब बात आती है लास्ट यानी दसवें घर की, तो टेंथ हाउस सेंटर का, सेंटर में बैठा हुआ है लियो, लियो लियो यानी सन, और सन और मार्स आपस में मोस्ट फ्रेंडली। तो सन आपको अच्छे परिणाम देगा ही देगा, सेंटर में बैठा हुआ है, पाप ग्रह है तो शुभ हो गया। साथ ही साथ दसवें घर में चूंकि मंगल उच्च का होता है दसवें घर में काल पुरुष की कुंडली में, चूंकि तो इस वजह से सूर्य भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देता है, और आपकी जो जो शोहरत होती है, जो आपकी नेम फेम होता है, वो जब सन की दशा अंतरदशा आएगी तो वो चारों दिशाओं में सूर्य की रश्मियों की तरह, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है, उस तरीके से जब सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी और सूर्य आपकी कुंडली में वेल प्लेस होगा तो आपका नेम फेम चारों दिशाओं में फैल जाएगा, और आपका जो बिजनेस है या आपका जो जॉब है उससे संबंधित चीज़ों में आपको गेंस मिलेंगे। आपके जो बॉस होते हैं, जो आपके ऊपर जो भी होता है, वो आपको काफ़ी प्यार से ट्रीट करेंगे, आपको अच्छा अप्रेजल मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट्स वगैरह अच्छे मिलेंगे सूर्य की दशा अंतरदशा में, और आपके लिए ये जो दशा है वो काफ़ी अच्छे परिणाम दे के जाएगी जब सूर्य की दशा अंतरदशा होगी। तो ये तो हो गई स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर मैं क्लास को बंद करता हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है 10:45। एनी क्वेश्चंस? हाँ अच्छा, हाँ, यस यस, अष्टक वर्गा से वो मैंने एक वीडियो में बताया तो है अपने, हाँ हाँ, वीडियो में मैंने एग्जांपल लेके बताया है, वो देख लेना क्लियर हो जाएगा। मेरे इसी अपने जो यूट्यूब है ना उसमें मैंने एक दिया हुआ है, उसमें देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है, भावों की स्ट्रेंथ वाला एक वीडियो है, उसमें आयु का भी दिया हुआ है मैंने, तो उसमें आपको देखोगे तो समझ आ जाएगा। उसमें अष्टक वर्गा में जो नंबर्स दिए होते हैं उन नंबर्स को ऐड करना है आपको, तो जो इसके नंबर्स होते हैं वो
दो 12 वाले नंबर और आठ, हाँ आठ, हाँ तीनों को जोड़ देंगे, चाहे एवरेज लो या तीनों को जोड़ दो, जैसे ये 38 आता है, ये 30 आता है, तो आपकी आयु अच्छी है। अगर ये कम होता है इससे तो आयु कम हो जाएगी। ये एक अष्टक वर्गा से निकालने का एक आसान तरीका है। मैं एक क्लास एक दिन अष्टक वर्गा के ऊपर भी लूँगा, क्योंकि जिसको काफ़ी जल्दी कोई चीज़ समझनी है तो अष्टक वर्गा से वो निकाल सकता है। ये आज स्कॉर्पियो तक आ चुके हैं और 12 तक जाने के बाद फिर हम एक क्लास अष्टक वर्गा के ऊपर ले लेंगे, और ऐसे ऐसे करके फिर मैं थोड़े से योगास के बारे में बता दूंगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे केपी के ऊपर चलेंगे, फिर केपी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। परंतु बट आपको कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। एक दिन मैं आप लोगों का सिर्फ क्लास लूँगा, सबसे बारी बारी से पूछूँगा, कुछ एग्जाम्पल कुंडली बनाऊँगा और सबसे पूछूँगा। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहिए, चूँकि पढ़ते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, और आपके जो कंसेप्ट हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता ही हूँ। और अगर कुछ मुझे नहीं आएगा तो मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूँगा, चूँकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो असीमित है। कोई भी अगर ये दावा करता है कि उसको सब कुछ आता है तो वो कोई भी ऐसा नहीं है प्राणी इस धरती पर जिसको संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी आती होगी। जो एस्ट्रोलॉजी के रचयिता हैं, पराशर मुनि, होरा मुनि, जो उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजी की जिन्होंने निर्माण किया है, वो भी अपने आप को कभी उन्होंने नहीं कहा कि उनको एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से आती थी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी असीमित है। इसकी इतनी सारी शाखाएं हैं, इतनी सारी विधाएं हैं कि किसी भी एक इंसान के लिए एक जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी के सारे विधाएं, सारी चीज़ें, सारे श्लोक उसके जो पढ़ना नामुमकिन है। बट एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है, आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बताती है, आपको आपको कैसे जीवन जीना है, कैसे आप कितना पूर्व जन्म से आप क्या लेके आए हो, आगे आने वाले जन्म में आप क्या लेके जाओगे वो बताती है। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ मोस्ट बेनिफिक साइंस, और आप लोग इसको मन से पढ़िए, आपको ये दे के ही जाएगी। अगर आपके मन में किसी के लिए अच्छा करने का एक संकल्प है तो ये आपको इतना दे के जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करता हूँ।